हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम अर्थ की 2023-24 जो घटना चक्र पब्लिकेशन की मैगजीन है उसी में बागवानी वाले जो डेटा है उसको देखेंगे। ठीक है, बागवानी फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कुल फल उत्पादक अग्रणी राज्य 2020-21 के अंतिम अनुमान था उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश कुल फल उत्पादन में नंबर वन पे था। इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है और फिर गुजरात है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फलों का प्रोडक्शन कब कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके बाद आपका महाराष्ट्र है, हमारा उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, गुजरात पांचवें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। कुल सब्जी उत्पादक अग्रणी राज्य 2020-21 का डेटा है, इसमें पश्चिम बंगाल नंबर वन पर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल नंबर वन पर है, नंबर दो पे है उत्तर प्रदेश, नंबर तीन पे है मध्य प्रदेश, नंबर चार पे है बिहार, नंबर पांच पे है गुजरात। तो सब्जी उत्पादन में अभी आपका पश्चिम बंगाल इस बुक में जो दे रखा है उस हिसाब से सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब बात की गई है फल सब्जी मसाला एवं बागान फसलों के तीन अग्रणी उत्पादक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 2020-21 का डेटा है अंतिम अनुमान। ठीक है, तो कुल फल के मामले में अभी हमने ऊपर देखा, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, नंबर दो पे महाराष्ट्र है, नंबर तीन पे उत्तर प्रदेश है। तो कुल फल के मामले में आप याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है और हमारा यूपी नंबर तीन पे है। यदि हम केले की बात करें, बनाना सबसे ज्यादा बनाना का प्रोडक्शन होता है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बनाना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में, इसके बाद है महाराष्ट्र और फिर है गुजरात। ठीक है, कम से कम नंबर वन तो हमें याद करना ही पड़ेगा। बात की जाए आम की, मैंगो की, मैंगो के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है उत्तर प्रदेश, नंबर दो पे है आंध्र प्रदेश, नंबर तीन पे है कर्नाटक। यदि हम बात करें अमरूद की, तो अमरूद के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है हमारा उत्तर प्रदेश, नंबर दो पे है मध्य प्रदेश, नंबर तीन पे है बिहार। यदि हम बात करें अंगूर की, तो अंगूर के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है महाराष्ट्र, नंबर दो पे है कर्नाटक, नंबर तीन पे है तमिलनाडु। ठीक है, अंगूर के प्रोडक्शन नंबर वन पे कौन है? महाराष्ट्र है। यदि हम बात करें सेब की, एप्पल की, सेब के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा होता है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद उत्तराखंड में। तो सेब का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद बात करें हम मस्क मेलन की, तो मस्क मेलन के मामले में नंबर वन पे है हमारा उत्तर प्रदेश, नंबर दो पे है आंध्र प्रदेश, नंबर तीन पे है पंजाब। यदि हम बात करें पपीता की, पपाया की, तो पपाया के प्रोडक्शन नंबर वन पे है आंध्र प्रदेश, नंबर दो पे है गुजरात, नंबर तीन पे है मध्य प्रदेश। अब यदि हम बात करें अनार की, तो अनार में नंबर वन पे है महाराष्ट्र, नंबर दो पे है गुजरात, नंबर तीन पे है कर्नाटक। यदि हम बात करें नारियल की, तो नारियल के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है हमारा केरल, नंबर दो पे है तमिलनाडु, नंबर तीन पे है कर्नाटका। यदि हम कुल फूल फ्लावर्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा फूलों का प्रोडक्शन होता है हमारे तमिलनाडु में, नंबर दो पे है मध्य प्रदेश, नंबर तीन पे है कर्नाटका। यदि हम कुल सब्जियों की बात करें, तो आपने पहले भी डेटा देखा है, कुल सब्जियों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है, उत्तर प्रदेश नंबर दो पे है, नंबर तीन पे है मध्य प्रदेश। यदि हम बात करें आलू की, पोटैटो की, पोटैटो प्रोडक्शन में नंबर वन पे है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है पश्चिम बंगाल, इसके बाद है बिहार। यदि हम बात करें टमाटर की, टमाटर के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है मध्य प्रदेश, नंबर दो पे है आंध्र प्रदेश, नंबर तीन पे है कर्नाटक। ठीक है, टमाटर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश। यदि हम बात करें प्याज की, तो प्याज का पहले भी हमने डेटा डिस्कस किया था, तो प्याज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में, इसके बाद है मध्य प्रदेश, इसके बाद है कर्नाटक। यदि हम बात करें बैगन की, तो बैगन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पश्चिम बंगाल में, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद गुजरात। ठीक है, तो एक बार हम फिर रिविजन कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी। कुल फल उत्पादक अग्रणी राज्यों में आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है। ठीक है, कुल सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर वन पे रहे। यदि हम फल सब्जी मसाला और बागान फसलों की बात करें, तो कुल फलों के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है, केला के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है, आम के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है, अमरूद के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है, अंगूर की बात की जाए अंगूर में महाराष्ट्र नंबर वन पे है, सेब की बात की जाए तो सेब में जम्मू कश्मीर नंबर वन पे है। यदि हम मस्क मेलन की बात करें, तो उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है, पपीता में आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है, अनार में महाराष्ट्र नंबर वन पे रहे। नारियल की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन केरल में होता है। कुल फूल की बात की जाए, तो तमिलनाडु नंबर वन पे है, और कुल सब्जी की बात करें, तो पश्चिम बंगाल नंबर वन पर है। आलू में हम पहले याद है उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है, टमाटर मध्य प्रदेश नंबर वन पर है, प्याज की बात की जाए, प्याज का भी डेटा याद है महाराष्ट्र,
ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। और बैगन की बात कही है तो बैगन के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर वन पर है। ये बात तो थी इंडिया की, अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो फल, सब्जी, मसाला एवं बागान फसलों के तीन अग्रणी उत्पादक देश 2020 का डेटा है। कुल फल के मामले में चीन नंबर वन पे है, अपना भारत नंबर दो पर है। ठीक है, कुल फल के मामले में चीन नंबर वन पर है, भारत नंबर दो पर है, नंबर तीन पे है ब्राजील। यदि हम सेब की बात करें, एप्पल की बात करें, तो चीन नंबर वन पर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नंबर दो पे है, और तुर्की ये नंबर तीन पे है। यदि बात की जाए केला की, बनाना की, तो बनाना में भारत नंबर वन पर है, नंबर दो पे चीन है, नंबर तीन पे इंडोनेशिया है। यदि हम बात करें अंगूर की, अंगूर के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है चीन, नंबर दो पे है इटली, नंबर तीन पे है स्पेन। ठीक है, यदि हम बात करें अमरूद, आम एवं मैंगोस्टीन की, तो नंबर वन पर हमारा भारत है, नंबर दो पे इंडोनेशिया है, नंबर तीन पे मैक्सिको है। यदि हम बात करें संतरा की, तो संतरा के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है ब्राजील, नंबर दो पे है भारत, नंबर तीन पे है चाइना। यदि हम बात करें पपीता की, तो पपीता के प्रोडक्शन नंबर वन पे हमारा भारत है, नंबर दो पे है डोमिनिकन रिपब्लिक है शायद, और नंबर तीन पे है ब्राजील। अनानास की बात की जाए, तो फिलीपींस नंबर वन पर है, नंबर दो पे कोस्टा रिका है, नंबर तीन पे ब्राजील। यदि हम बात करें सब्जी और मेलन की, तो चाइना नंबर वन पर है, भारत नंबर दो पे है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नंबर तीन पे है। यदि हम बात करें बैगन की, बैगन के प्रोडक्शन में नंबर वन पे चीन है, नंबर दो पे भारत है, नंबर तीन पे मिस्र है। ठीक है, बैगन में चाइना नंबर वन पर है। बात करें पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी के मामले में चीन है। अब पत्ता गोभी आप ऐसे भी याद कर दो, हर चाइनीज फूड में पत्ता गोभी मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, तो वो हर चीज में पत्ता गोभी भर रहे हैं। तो इस तरह याद कर लीजिए, पत्ता गोभी चाइनीज, पत्ता गोभी चीन, नंबर दो पे है भारत, नंबर तीन पे है रूस। यदि हम बात करें फूल गोभी और ब्रोकली की, तो नंबर वन पे है हमारा चीन, नंबर दो पे है भारत, नंबर तीन पे है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यदि बात करें हम भिंडी की, तो भिंडी के मामले में नंबर वन पे है भारत, नंबर दो पे है नाइजीरिया, नंबर तीन पे है माली। यदि हम बात करें प्याज की, प्याज के प्रोडक्शन में नंबर वन पे भारत है, नंबर दो पे चीन है, नंबर तीन पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यदि हम बात करें आलू की, आलू के प्रोडक्शन में नंबर वन पे चीन है, नंबर दो पे भारत है, नंबर तीन पे यूक्रेन है। यदि हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर के प्रोडक्शन में नंबर वन पे चाइना है, नंबर दो पे भारत है, नंबर तीन पे तुर्की है। ठीक है, तो एक बार इस डेटा को फिर से रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी से। कुल फलों के मामले में चाइना नंबर वन पर है, सेब की बात की जाए तो चाइना नंबर वन पर है, केला की बात करी तो भारत नंबर वन पर है, अंगूर की बात करी जाएगी तो चीन नंबर वन पर है, अमरूद, आम, मैंगोस्टीन इसमें नंबर वन पे भारत है, संतरे की बात करी जाए तो ब्राजील नंबर वन पर है, पपीता की बात करी जाए तो पपीता के प्रोडक्शन में भारत नंबर वन पर है, अनानास की बात की जाए तो फिलीपींस नंबर वन पर है, सब्जी और मेलन की बात की जाए, ठीक है, तो चाइना नंबर वन पे है और भारत नंबर दो पे है, बैगन की बात करी जाए तो चाइना नंबर वन पर है, पत्ता गोभी में चाइना नंबर वन पर है, फूल गोभी और ब्रोकली की बात की जाए तो चाइना नंबर वन पर है, भिंडी की बात की जाए तो भारत नंबर वन पर है, प्याज की बात की जाए तो भारत नंबर वन पर है। ठीक है, आलू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चाइना में होता है और टमाटर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चीन में होता है। ठीक है, तो बस यही इसका डेटा था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगा, और भी मैं डेटा जल्दी जल्दी लेके आता हूँ आपके लिए। थैंक यू।